कहीं जाएंगी, क्योंकि ये जो श्रमिक पत्थर है, जो ये जी ये श्रमिक है, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री को बाकियों से अलग करती है, ये भाव बताता है। जो नीम के पत्थर हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर सर्दी बरसात ठंड में गर्मी में जो इस तरह से मेहनत की है और ये भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, यही असली नीम के पत्थर हैं। और ये श्रम देवता हैं। हम दूरदर्शन पे भी हमने इनके कई इंटरव्यूज दिखाए श्रमवीरों के, और ये लोग जो बातें बताते थे कि जब अपने गांव में लोग जाते थे और कहते थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो गांव में इनके पैर लोग छूते थे। तो ये अपने आप में जो है सिर्फ श्रमिक नहीं है, श्रमवीर है, ये असली राम भक्त है, इसीलिए श्रम देवता कहा जा रहा है, राम मंदिर खड़ा हुआ। प्रखर, इनको इसीलिए श्रम देवता कहा जा रहा है। और सच में ये एक जो चलन और ये जो भाव जिसमें कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो इनके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव देखते हैं, उन्होंने एक नया रूप दिया है। अगर हम ये कहें कि त्रेता युग में जैसे वानर सेना थी, जी त्रेता युग में जो कार्य वानर सेना ने किया, ठीक उसी तरह से ये इस युग की जो है ये श्रम सेना है, श्रम सेना है, श्रम सेना है। कहा, और इस मंदिर के दुसाध्य मंदिर के निर्माण में जिस तरह से इन श्रमवीरों का योगदान रहा है, उसको अलंकृत करते हुए प्रधानमंत्री पुष्प गुच्छों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, और ये निश्चित तौर पर ये उनका जो एक भाव है, ये अपने आप में बहुत ही प्रसन्न करने वाला, आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला, और निश्चित तौर पर ये जो श्रमिक है वो अपने आप को बहुत धन्य और महसूस कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक इंटरव्यू एक श्रमिक का देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो मुझे यहाँ से जो भी मुझे पैसा मिला है श्रम करने के बदले, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही मैं दान करके चला जाऊंगा, तो वो महादान है। जी जी, एक श्रमिक जिसने जो पूरी कमाई की इस मंदिर के निर्माण के दौरान, वो समस्त कमाई, अपनी समस्त आय अगर राम मंदिर ट्रस्ट को दान कर देता है, मैं मानता हूँ कि वो सबसे महान दान है। और वो इन श्रमिकों ने करके दिखाया है, श्रमदान के माध्यम से भी और अपनी भावनाओं के माध्यम से। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो ये जो दृश्य है ये अभूतपूर्व है, ये दरअसल इसको कहा जाए कि ये दृश्य भी आंखों में बिठा लिया जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से राम की प्रतिमा जिन्होंने गढ़ी, दरअसल वो जो इस राम के पूरे मंदिर को साकार जिन्होंने किया, इस जन्मभूमि के मंदिर को, कितने कम समय में और कितना भव्य दिव्य मंदिर है, उस हिसाब से निश्चित तौर पर ये जो श्रमदेव हैं, ये तस्वीरें मुझे लगता है कि पहले हम कभी नहीं देखते थे। भारत में और भी निर्माण हुए हैं, देखिए इस तरह से श्रमवीरों का सम्मान करना, ये बहुत अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। हमने हर जगह पे देखा, हमने प्रगति मैदान का जब निर्माण हुआ, भारत मंडपम बना, उसके श्रमिकों के साथ बातचीत की, काशी विश्वनाथ को भी हम देख लें, हम देखते हैं सफाई कर्मचारी जब जो थे उनके जिस तरह से चरण धोए थे प्रधानमंत्री ने, तो ये एक बहुत अच्छी अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। और ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा देती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, अन्यथा लोग जिस तरह का व्यवहार विचार रखते थे उसके उलट है। और अब ये भाव सामने आ रहा है, बिल्कुल, इनको विश्वकर्मा का रूप, विश्वकर्मा है ये असली विश्वकर्मा। इनको बताइए, ये देखिए ये भव्य दिव्य मंदिर जो आंखों में समा लेने को जी चाहता है, दरअसल इन्हीं विश्वकर्मा ने, इन्हीं श्रमवीरों ने, इन्हीं श्रम देवताओं ने बनाया है। और निश्चित तौर पर उनके ऊपर अगर प्रधानमंत्री पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो ये उनकी बड़ा काम है, उदारता भी है, और सभी को मैं कहता हूँ कि इसको सभी को जो राजनीतिक नेतृत्व है और भी, उनको भी इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जब एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे श्रमवीरों को पुष्प वर्षा करता है तो कितना आह्लादित महसूस करते हैं, कितना वो प्रेरित महसूस करते हैं, ये बात समझने की है। बहुत शानदार दृश्य है, मन को विह्वल करने वाले दृश्य है, ये सोचने की बात है। बिल्कुल, अभी कभी कुछ श्रमिकों से बातचीत भी की थी, हमारे डीडी न्यूज पर भी वो बातचीत दिखाई गई थी। कई श्रमिक ये कह रहे थे कि उनका मन इतना रम गया है यहाँ पे कार्य करते करते कि अब वो अयोध्या से जाना ही नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं कि यहीं पे कुछ अन्य कार्य करना शुरू कर दें। जी, तो ये जो असली राम भक्त है, ये नींव के पत्थर है। जब भी मंदिर बनता है हम कलश की तरफ देखते हैं, लेकिन वो नींव जिसने भाई, आज जिसके भाषण के दौरान, जी जिसके हाथों ने ये निर्माण किया, जिसे करकंदों से निर्माण किया है, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब जब इस मंदिर का जिक्र होगा, इसके निर्माण में लगे इन श्रमवीरों को भी हमेशा याद रखा जाएगा। जी निश्चित तौर पर, जब
बात इन श्रमवीरों की होगी, इस मंदिर की होगी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक एक शिलालेख इसमें जो है, जो एक एक शिला है दरअसल, जो एक एक पत्थर है वो इन्होंने इसको गढ़ा है, ये इसके शिल्पी हैं। बिल्कुल, अगर मैं कहूं तो ये आधुनिक युग के नलनील हैं लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, और आप जो राम सेतु